आइए आज हम आपको सोया चाप की सब्जी बनाना बताते हैं। जो हमने घर पे बनाया है सोया चाप, आपको उसकी रेसिपी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो आइए, एक बाउल में हमने पानी ले लिया है और ये देखिए हमने इसको बना के फ्रीज़र में स्टोर किया था। इसको हम पानी में डाल देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इस पे एक्स्ट्रा बर्फ जमी है वो पिघल कर निकल जाए। ये 5 मिनट हो गया है, आइए इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये पर्थ है, जो जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो ये हल्की हल्की खुलने लगेगी। तो आइए, तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। हमको बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है, हल्का सा इस पर कलर ले आना है। ये इस पर आप थोड़ा हाई फ्लेम रहेगा इसका, और आप इसको गोल्डन 2 मिनट तक करिएगा, फिर उसके बाद फ्लेम को धीमी कर दीजिएगा। कलर आने तक ही इसको हमको फ्राई करना है। देखिए ये हल्का हल्का कलर आ गया, अब इसको हम निकाल देंगे। इसकी सारी लेयर्स खुल गई है, ये देखिए। अब इसको ये देखिए, ये अंदर से पक गया है। मक्खन डाल देते हैं, मक्खन और दही। ये हमने 4 चम्मच के करीब दही डाला है। आधा चम्मच के करीब हमने चाट मसाला डाला है। अब इसको हम मिला देंगे, मक्खन इसमें अच्छे से पिघल जाएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। देखिए ये 2 प्याज हमने, बड़ा प्याज हमने काटा है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए ये 4 बड़े टमाटर हमने लिए हैं, और ये 7-8 लहसुन की कली है जो हमने छील के काट लिया है, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और ये हरी मिर्च है 4-5 जो हम सब नहीं डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। इसको हम पीस लेते हैं, हमने पीस लिया है। अब इसको हम किनारे रखते हैं। आइए इसका भी पेस्ट हम बनाते हैं। देखिए ये 3 इलायची हमने लिया है, तेल गरम हो गया है, और ये 3-4 लौंग हमने लिया है, ये दालचीनी है 1 इंच है। अब इसको हम थोड़ा भून लेंगे। दालचीनी ये खड़े मसाले हैं कुछ, और खड़े मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें डाला है। अब ये देखिए ये भुन गया है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि टमाटर तो जो है तेल सोखता नहीं है। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे,
चौथाई चम्मच हम रेड मिर्च डाल रहे हैं, लाल मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें डाला है। आइए इसमें हम ढेर सारी धनिया डालते हैं। ये एक चम्मच हमने डाला, ये दो चम्मच हमने धनिया डाल दिया, ढाई चम्मच। इसको हम अच्छे से भूनेंगे इन मसालों को। हमको तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर अच्छे से भून ना जाए। हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। देखिए जब टमाटर भून जाएगा तो ये बबल्स आने लगेंगे बीच में, तो इससे पता चलता है कि टमाटर हमारा भून चुका है। देखिए ये टमाटर मेरा भून चुका है, ये बबल्स आ रहे हैं इस पर। अब हम इसमें भुना हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे और मिला के हम इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर देते हैं और इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमने जो है भून लिया है 5 मिनट। ये जो हमने मैरिनेट किया था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाला, उस पानी को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी हम इसमें और डालेंगे। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि जितने मसाले हैं सब चॉप में अच्छे से मिल जाएं और अच्छे से ये पक के बढ़िया सा फ्लेवर दे। तो आइए अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालते हैं। एक चम्मच के करीब आप इसको इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए और एक चम्मच के करीब गरम मसाला आप इसमें डाल दीजिए। आइए इसको हम ढक देते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। पंखा बंद कर। 5 मिनट हो गया है, आइए इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए ये पक गया है। अगर आप चाहें तो इसका रसा थोड़ा और गाढ़ा कर सकती हैं। अब आइए हम इसमें हरी धनिया डालते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे सब नए हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको कोई और नई रेसिपी जाननी हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।